कैसे हो आप लोग? हमारे ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। आज हम गांव जा रहे हैं। अभी दीदी और मैं तैयार हो गए हैं। हमारे गांव में मेला लगता है, आज हम मेले में जाएंगे। जहां हमारे गांव में मेला लगता है, आज हम मेले में जाएंगे। अभी हम जाएंगे तो रास्ते में बहुत सारी चीजें दिखाएंगे। ये हमने बैग तैयार कर दिया है, अब हम जाने वाले हैं। हमारे गांव में ठंडा होता है, इसलिए हमने इसमें सारे गर्म कपड़े रखे हैं। तो दोस्तों, अभी हम बीच रास्ते में फंस गए हैं। अब हमारा गांव थोड़ी दूर है। वो देखो, मेरी दीदी वहां घूम रही है और मेरे पापा को पता नहीं कहाँ चले गए। तेज धूप आई है और बारिश के समय यहाँ स्लाइडिंग हुई थी और यहाँ पे एक पेड़ भी गिर गया। ये देखो कितना प्यारा जंगल है। अब हम बीच रास्ते से आगे निकल गए हैं। अक्कल धारा फाल रही है, इसका पानी पी के अक्कल आती है। ये देखो अक्कल धारे के बगल में नदी, यहाँ पे सब लोग नहाते भी हैं। अभी हम झील देखने जा रहे हैं, झील कितनी बड़ी बनी है। अभी हम देखने जा रहे हैं, ये आजकल ही बना रखी है। अभी हम नजदीक जाएंगे इसके, फिर हम आपको दिखाएंगे। अभी हम झील के नजदीक आ गए हैं। कितनी प्यारी झील है ये, बहुत बड़ी झील है और इसमें पेड़ भी डूब रखे हैं। अभी मैं आपको पूरी झील दिखाता हूँ। यहाँ सब लोग घूमने आए हैं। अभी भी हम चलने में ही है, पता नहीं कहाँ तक झील है। ये देखो मेरी दीदी झील देखने के लिए दौड़ रही है। ये देखो झील में पेड़ भी डूब रखे हैं और झील में तिरंगे भी आ रखे हैं। ये बहुत बड़ी झील है। आज हमारे पापा यहाँ घुमाने के लिए लाए हैं और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। झील यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। मेरे को तो इसमें तैरने का मन कर रहा है, ठंडी की वजह से मैं इसमें तैर नहीं पा रहा हूँ। मेरी दीदी झील में पत्थर फेंक रही है, इसको फेंकने में मज़ा आ रहा है। अब मैं भी फेंकता हूँ, इसलिए इसमें तरंगे पैदा हो रही है। कितना अच्छा लग रहा है ना, है ना? डाल पाई है, मैंने सिखा दिया ना पूरी ताकत। हमने तो 4 पकड़े थे, ज्यादा पकड़े। अभी हमें बहुत दूर जाना है, अब हम चलते हैं। मेरी दीदी आ भी नहीं रहे। दीदी जल्दी चलो ना। अभी हम गांव वाली रोड में फंस गए हैं, हमें प्यास लगी तो हम पानी पी रहे हैं।
ये नेचुरल वाटर है, इसको पानी का धारा भी बोलते हैं। ये बहुत ठंडा पानी है और मेरी दीदी हमारा इंतजार कर दीजिए। अब हमने पानी पी लिया है, अब हम जाते हैं। ये बहुत ही घना जंगल, इसमें शेर भी रहते होंगे। हमें डर भी लगता है और हम चलते हैं। ये देखो एक नल आ गया। यहाँ से हमारे गांव में पानी जाता है, इसकी वजह से रास्ते में कितना कीचड़ हो रहा है, इसको कोई साफ भी नहीं करता है। तो दोस्तों अब हम गांव पहुँचने जा रहे हैं। गांव कितना प्यारा लग रहा है। अभी धान कट गए, मड़वा करने वाला है। यहाँ से हमारा बीच में गांव भी, घर भी दिख रहा है और बारिश की वजह से पहाड़ भी गिर गया है। हमारा गांव है और गांव कितना प्यारा लग रहा है। अब हम गांव पहुँचने वाले हैं। ये देखो लोगों ने खेत में धान काट दिए, अभी मड़वा भी काटने वाले हैं। गांव पहुँच गए हैं, रास्ते में हम घूमते हुए आए, अब हम थक गए हैं। मैं आपको पहाड़ों का मकान दिखाता हूँ। पहाड़ों में इतनी प्यारे प्यारे मकान होते हैं। ये पूरे एक ही मकान है। ये आंगन में कितने अच्छी तरह से पत्थर बिछा रखे हैं और ये कितनी बड़ी पत्थर, कितने बड़े पत्थर में धान कूटने वाली ओखली बना रखी है। हमारे गांव के पेड़ में बहुत सारे माल्टा लगे हैं, कुछ दिनों बाद ये पक जाएंगे। फिर हम इनको खाएंगे और जूस भी बनाएंगे। जूस तो मेरे पास है। ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम सानवी जोशी है। ये खंबे से लटक दिया है। ये हमारा छोटा भैया चल रहा है। मैं अपने भैया के साथ खेल रहा हूँ। सबका भैया हुआ। अरे छोड़ ना, गिरा देगी। मैं गिराऊंगी। छोड़ दे। मैं गिराऊंगी। रो रहा है तेरे हाथ में आने के लिए। चल बाबू। आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।